नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे हम तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तुनिशा के एक्स बॉयफ्रेंड और को एक्टर शुजान मोहम्मद खान को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि शुजान खान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। जहाँ एक ओर इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में, तो वहीं दूसरी ओर शुजान खान की बहन फलक न्यास की तबियत खराब हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। गंभीर हालत में फलक न्यास को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आपको बता दें कि फलक नाज की तबीयत काफी समय से खराब चल रही है, जब से इस केस में उनके भाई का नाम सामने आया है। बता दें कि परिवार की ओर से 2 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कही गई थी और इसके बाद अब अचानक से फलक नाज की खराब तबीयत की खबर सामने आई है। हॉस्पिटल में वो एडमिट है और इस वक्त शुजान के परिवार की काफी ज्यादा बुरी हालत है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जहां एक ओर शुजान खान को इस केस में राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो वहीं दूसरी ओर शुजान खान के परिवार पर मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे में ये केस कौन सा नया मोड़ लेता है, क्योंकि अब तक उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद पुलिस इस केस में छानबीन के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए शुजान के परिवार से मुलाकात कर सकती है। लेकिन अब जिस तरह से शुजान की बहन फलक नाज की तबीयत खराब हो गई है, इस चीज का आखिरकार केस पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।